देहरादून पुलिस ने सेक्स रैकेट के बड़े गिरोहों का पर्दाफाश करते हुए 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि गुप्त सूचना के आधार पर अड्डे पर छापेमारी की गई, जहां पर 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 7 पुरुष और एक महिला को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने मौके से 5 लड़कियों को भी बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि ये सभी लड़कियां नेपाल, बांग्लादेश, असम की रहने वाली हैं। पुलिस इन लड़कियों को उनके परिवार के पास भेजने की तैयारी कर रही है। इस घटना के बाद पुलिस शहर में जगह जगह छापेमारी कर रही है। तो पहले भी कुछ दिनों पहले भी हम लोगों ने इस सेक्स रैकेट का जो वहाँ की स्थानीय पुलिस ने और जो हमारे एएसपी साहब उन्होंने मिलकर के इस एक रैकेट का भंडाफोड़ किया था और अभी दोबारा फिर से सूचनाएं मिली थी कि कुछ लोग जो है उसमें सेक्स रैकेट कुछ चालू हुआ है और इसमें 8 लोग इसमें जो अपराधी हैं उसमें मिले हैं, जिसमें 7 पुरुष और 1 महिला है। और इसके अलावा जो 5 महिलाएं थी उन्हें रेस्क्यू किया गया है और उन्हें जो उनके परिवार वालों को उनको बचा लिया गया है और जिनके संबंधित उनको छुड़वा लिया गया उनके पास। पुलिस सेक्स रैकेट चलाने वाली महिला को गिरफ्तार कर पूरे मामले की जांच कर रही है। अंबाला से पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।